मौसम की विपरीत परिस्थिति के बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और उनके सानिध्य में भारत की इस प्राचीन ऋषि परंपरा के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए आप सब की उपस्थिति एक अद्भुत क्षण हम सब के सामने प्रस्तुत कर रहा है। मैं इस अवसर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं प्रदेश की जनता की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूं कि उनकी सदिच्छा के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश को यह कार्यक्रम इस वर्ष करने का अवसर प्राप्त हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह कार्यक्रम रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माता रमाबाई भीमराव अंबेडकर त्याग, बलिदान और साहस की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने निर्धनता एवं अभावग्रस्तता के दिन भी साहस के साथ व्यतीत करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसी महान मातृशक्ति की स्मृति में बनाए गए मैदान में तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन उनके सम्मान के प्रति सरकार का एक श्रद्धांजलि है। आप सब जानते हैं कि योग भारत की प्राचीन विधा है, हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा का प्रसाद है। वेदों सहित सभी प्राचीन ग्रंथों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और अगर कहा जाए तो योग जीवन की एक कला है और जीवन की यह कला हम सबको जोड़ना सिखाती है। जीने की यह कला जिसे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सितंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करके आज जब हम सब तृतीय योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्य समारोह के साथ संपन्न कर रहे हैं, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में अनेक स्थानों पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप यह समारोह एक जन अभियान और जन आंदोलन का रूप लेता हुआ गांव गांव शहर शहर में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। एक प्रकार का है, एक पर्व हो गया है। इससे पूर्व प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम देश की राजधानी लखनऊ में, देश की राजधानी दिल्ली में, द्वितीय समारोह चंडीगढ़ में और यह तृतीय समारोह करने का सौभाग्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। सज्जनों, मुझे इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए केवल आपसे ही कहना है कि योग
भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के लिए हम सबको, पूरे भारतवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए, क्योंकि आज देश दुनिया के अंदर 200 से अधिक देश एक साथ योग की, भारत की इस प्राचीन विधा के साथ झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। योग की इस मान्यता को प्रदान करने के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मुझे केवल इस संबंध में यही कहना है कि योग के बारे में हमारी श्रुति ने भी यही कहा है कि न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत को दुनिया की जिस महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, योग उसका आधार है जिसके माध्यम से योगाग्निमय स्वरूप शरीर जिसे प्राप्त होता है वहां न रोग है, न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, जीवन की अमरता को प्रदान करने का यह मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 125 करोड़ लोगों के माध्यम से दुनिया को प्रदान किया है। भारत की इस प्राचीन विधा को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति एक बार पुनः आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी योग साधकों को तृतीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कोटि कोटि बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी आप सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में योग का आनंद लेंगे, इसके लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामना देते हुए आप सब से मेरा अनुरोध होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ योग का आनंद लेते हुए आप योग को एक जन अभियान का हिस्सा बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।